मंडल न्यूज के सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक और ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय दीपावली की खरीदारी के कारण शहर के सभी बाजारों में अच्छी खासी ग्राहकी चल रही है। इन दिनों लगभग सभी लोगों के पास अपने खुद के वाहन है, जिसके चलते दुपहिया व चारपहिया वाहनों की भीड़भाड़ के कारण शहर के कई मार्गों पर यातायात बार बार जाम हो रहा है और कई क्षेत्रों में आधा आधा घंटे तक लोग बाग जाम में फंस रहे हैं, जिससे उनके कामकाज पर भी असर हो रहा है। परंतु दीपावली पर्व की उमंग व उत्साह के चलते लोग बाग इस जाम को भी बर्दाश्त कर रहे हैं। गत रोज धनतेरस पर स्थानीय ज्वेलरी मार्केट में शानदार रौनक रही और इस बार शहर के सभी अग्रणी ज्वेलर्स ने ग्राहकों को लुभाने हेतु शानदार ऑफर दिए थे, जिसका खरीदारों ने अच्छा खासा लाभ उठाया, जिसके चलते इस बार अनुमान से अधिक ग्राहकी सोने और चांदी की रही। बाजार के एक प्रमुख व्यवसायी के मुताबिक लोगों को सोने में निवेश करना काफी रास आ रहा है, इस वजह से धनतेरस में ग्राहकी की बढ़ोतरी का अंदाजा सटीक रहा। शहर के प्रमुख चौक चौराहों और बाजार क्षेत्रों में खुले आसमान के नीचे डेरा डाले बैठे और कथित रूप से उपद्रव करने वाले 40 से 50 घुमंतुओं को शुक्रवार की रात 11:30 बजे शहर से बाहर घुमंतु बेड़े पर ले जाकर छोड़ा गया। यह कार्रवाई महानगर पालिका के अतिक्रमण विभाग ने पुलिस के सहयोग से की। दीपावली के पर्व पर अतिक्रमण विरोधी दस्ता अचानक सक्रिय हुआ। जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक में गत रोज हुई संचालक मंडल की सभा में बैंक के मौजूदा अध्यक्ष बच्चू कड़ू और पूर्व अध्यक्ष बबलू देशमुख के बीच जमकर शाब्दिक विवाद हुआ। सभा का इतिवृत्त लिखने को लेकर हुए विवाद के चलते दोनों नेता हमरी तुमरी करते हुए एक दूसरे के आमने सामने आ गए। इस समय कुछ संचालकों ने मध्यस्थता करते हुए संभावित विवाद को टाला, लेकिन इसके बावजूद भी संचालक मंडल की बैठक में वातावरण काफी हद तक तनावपूर्ण रहा। वहीं गत रोज जिला बैंक की बैठक में हुए हंगामे के बाद कांग्रेस भवन में बुलाई गई पत्रवार्ता में कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व जिला बैंक के पूर्व अध्यक्ष बबलू देशमुख ने बताया कि जब कांग्रेस के पास जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की सत्ता थी तो बैंक का चहुमुखी विकास हो रहा था, लेकिन तोड़फोड़ की राजनीति करते हुए बैंक की सत्ता में आए बैंक के मौजूदा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष ने तमाम तरह की गड़बड़ियां और मनमानी करते हुए गलत तरह से फैसले लेने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से अच्छी खासी चल रही बैंक का बंटाधार हो रहा है। राकापा शरद पवार गुट के नेता व जामखेड़ के विधायक रोहित पवार का कल अपने माता पिता पत्नी और बच्चों सहित अमरावती आगमन हो रहा है। वे सिंदखेड़ राजा में राजमाता जीजाऊ की जन्मस्थली पर दीपोत्सव मनाकर रात 9 बजे के आसपास अमरावती सर्किट हाउस पहुंचेंगे और यहां से वे परसों यवतमाल के लिए रवाना होंगे। राज्य परिवहन निगम के मध्यवर्ती बस स्थानों को प्राप्त नई बसों का उद्घाटन विधायक रवि राणा ने चालक के हाथों रिबन कटवाकर किया और इस बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दीपावली के मौके पर नई एसटी बसों की सुविधा यात्रियों को प्राप्त हुई है। जिला परिषद कार्यालय के सामने बीते 17 दिनों से चल रहे स्वास्थ्य कर्मियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन को गत रोज विधायक बच्चू कड़ू ने भेंट दी और स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों को समझते हुए उनकी मांगों को पूरा करने हेतु आवश्यक प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। ठेका पद्धति से हटाकर सरकारी सेवा में शामिल किए जाने की मांग को लेकर विगत 25 अक्टूबर से जारी NRHM व NHUM स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल आज शनिवार को भी जारी रही। इस हड़ताल के 19वें दिन स्वास्थ्य कर्मियों ने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम 2000 पोस्टकार्ड डाक के जरिए रवाना किए। शुक्रवार को मनपा शिक्षकों ने आयुक्त व लेखाधिकारी के पास शिकायत करते हुए जोरदार नारेबाजी की और कहा कि यदि मनपा के कुछ कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग पूरी तरह से दिया गया है तो फिर शिक्षकों को अब तक इसका लाभ क्यों नहीं दिया गया। शिक्षकों ने यह आरोप भी लगाया कि दिवाली को 1 दिन का समय शेष रहने के बावजूद भी मनपा ने वेतन अदा नहीं किया, इस कारण कर्मचारियों के परिवार दिवाली नहीं मना सकेंगे। नांदगांव खंडेश्वर के तहसील कार्यालय में शिवसेना ठाकरे गुट के पदाधिकारी व क्षेत्र के किसानों ने आक्रामक रवैया अपनाते हुए तहसील कार्यालय में ही झुनका भाकर खाया और तहसील कार्यालय में अपनी काली दिवाली मनाई। इस समय तहसीलदार के जरिए राज्य सरकार को चिंताग्रस्त किसानों की प्रतिमा भी भेंट की गई। इस समय दीपावली का त्यौहार शुरू है, ऐसे में जहां एक ओर शहर में अधिकृत पटाखा विक्रेताओं की पटाखा बिक्री दुकानों का बाजार सज गया, वहीं दूसरी ओर शहर के विभिन्न चौक चौराहों व गली मोहल्लों में भी पटाखों की नियमबद्ध तरीके से खुलेआम बिक्री हो रही है। इसे देखते हुए मनपा व पुलिस प्रशासन ने चेतावनी जारी की है कि यदि कहीं पर भी नियमबद्ध तरीके से पटाखों की अवैध बिक्री होती पाएगी तो संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। शहर के पश्चिमी क्षेत्र में इन दिनों नशे का कारोबार काफी फलफूल रहा है, इसे देखते हुए मुस्लिम समाज के जागरूक नागरिकों ने एक समिति बनाकर नशे के खिलाफ यलगार छेड़ते हुए प्रशासन से क्षेत्र में बढ़ रहे नशे के कारोबार को पूरी तरह से बंद करने की मांग की। इस हेतु शनिवार की दोपहर 2 बजे गुलिस्ता नगर ताजनगर रोड स्थित यूसुफ पैलेस में एक बैठक का आयोजन भी किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से शोएब खान को अध्यक्ष बनाया गया। समिति द्वारा प्रशासन पर MD ड्रग्स बंद करने की मांग के साथ ही युवाओं में नशे के विरोध में जन जागृति की जाएगी।
राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज के मार्गदर्शन पर चलते हुए तथा ग्राम गीता की बातों का अनुसरण करते हुए पूर्व पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की सुपुत्री आकांक्षा ठाकुर ने 11 नवंबर को तिवसा शहर के पंचवटी चौक में कपड़ा बैंक सामाजिक उपक्रम के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को कपड़ों का वितरण किया, जिसके बाद उन जरूरतमंद परिवारों के घरों में भी दिवाली की खुशियां बिखेरने का प्रयास आकांक्षा ठाकुर द्वारा किया गया। दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में रोटरी क्लब द्वारा सांस्कृतिक भवन में आयोजित दिवाली पाड़वा कार्यक्रम में बेहद सुंदर नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर शहर की नृत्यशाला के विद्यार्थी एवं नगर के प्रतिष्ठित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक पंडा के मार्गदर्शन व आह्वान पर जिला परिषद कर्मचारी द्वारा जिला परिषद कार्यालय के प्रांगण में दीपावली पहाट का आयोजन शुक्रवार की सुबह किया गया था, जिसमें दीपावली हेतु 900 जरूरतमंदों को दीपावली किट व 24 विद्यार्थियों को दिवाली हेतु नए कपड़े वितरित किए गए। इनरविल क्लब ऑफ अमरावती ने भारतीय संस्कार मंदिर में दीपावली मनाई। इस स्कूल में नर्सरी से लेकर कक्षा चौथी तक ग्रामीण क्षेत्र के 600 से अधिक बच्चे पढ़ाई लिखाई करने हेतु आते हैं। भाजपा के अमरावती शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल द्वारा व्यापारी आघाड़ी कार्यकारिणी की घोषणा पश्चात अध्यक्ष सारंग राउत के नेतृत्व में पदग्रहण समारोह प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस अवसर पर भाजपा व्यापारी आघाड़ी के सभी पदाधिकारियों को उनके पदों का प्रभार सौंपा गया। सिटी कोतवाली के सामने स्थित अमरावती सिटी क्लब में स्थापित व्यायामशाला यानी जिम का समारोह पूर्वक उद्घाटन किया गया। क्लब के अध्यक्ष सुरेश भाई राजा की अध्यक्षता तथा पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता की उपस्थिति में इस जिम का उद्घाटन रविंद्र कडू के हाथों किया गया। शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने मडगांव में हुई 37वीं राष्ट्रीय खेल स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक प्राप्त किया। बीएड द्वितीय सत्र के छात्र रोहित नांदुरकर ने रजत पदक व पूर्व छात्र पवन डोईफोड़े एवं ज्योति केडर ने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। गुजरात राज्य से अमरावती में बिना कोल्ड स्टोरेज के लाया गया 628 किलो खोवा अन्न व औषधि प्रशासन ने गत रोज कवरनगर परिसर से जब्त किया। इस खोवे की कीमत 1,00,000 रुपए से अधिक बताई गई है। यह कार्रवाई करने के साथ ही जब्त किए गए खोवे के सैंपल को जांच हेतु प्रयोगशाला में भिजवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। गोपाल नगर में सुदगिरनी गेट के सामने रहने वाली महिला के घर पहुंची 30 से 35 वर्ष आयु गुट वाली 4 अज्ञात महिलाओं ने सोने चांदी के बर्तन व गहने चमका कर देने का झांसा देते हुए उक्त महिला के करीब 2,50,000 रुपए मूल्य के गहने चुरा लिए। राजापेट पुलिस ने 4 अज्ञात महिलाओं की तलाश करनी शुरू की है। पंचवटी चौक पर अपनी ड्यूटी कर रही शहर यातायात पुलिस विभाग की महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ 2 लोगों ने गाली गलौज करने के साथ ही हुज्जतबाजी की और सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने के साथ ही यातायात में भी व्यवधान पैदा किया। दोनों आरोपियों के खिलाफ गालीनगर थाने में आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की गई। वलगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत शिराला में रहने वाले कृष्णा झाकरडे ने गांव में ही रहने वाली एक 26 वर्षीय युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा कर उसे विवाह करने का झांसा दिया और उसके साथ दुराचार भी किया, जिससे उक्त युवती 4 माह की गर्भवती हो गई। पश्चात अपनी पत्नी मायके से वापस लौट आने पर कृष्णा झाकरडे ने उक्त युवती को उसके हाल पर छोड़कर उसे किनारा कर लिया। युवती की शिकायत पर वलगांव पुलिस ने कृष्णा झाकरडे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू की। अकोला के शास्त्री स्टेडियम में कबाड़ बाजार की कुछ दुकानों में शॉर्ट सर्किट के चलते गत रोज भीषण आग लग गई। इस आग में कबाड़ बाजार की 8 से 10 दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो गई, जिसके चलते बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ। मेकर में अज्ञात वाहन द्वारा मारी गई टक्कर के चलते मृत हुए भिखारी की थैली में पंचनामे के समय 1,63,000 रुपए की रकम बरामद हुई। साथ ही उसकी थैली में एक बैंक पासबुक भी मिली, जिससे पता चला कि उसके बैंक खाते में भी कुछ रकम जमा है। ऐसे में पुलिस ने मामले की जांच करने के साथ ही मृतक भिखारी के परिवार को खोज निकाला और उक्त रकम व बैंक पासबुक को उस परिवार के हवाले किया। समृद्धि एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। विगत 9 नवंबर को सुबह 6 घंटे के अंतराल में समृद्धि एक्सप्रेस वे पर मेहकर के निकट फरदापुर से डोंगांव के बीच 2 भीषण हादसे घटित हुए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 11 लोग घायल हुए। घायलों में 2.5 वर्ष की आयु वाले एक बच्चे का भी समावेश है। यवतमाल की कलम तहसील अंतर्गत खुदावंतपुर में रहने वाले गांव के पुलिस पाटिल राजेश कोल्हे की उसके ही रिश्तेदार विजय खड़सुंगे द्वारा चाकू घोपकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की सुबह घटित इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हां, सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।